भागलपुर के वरिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित सीटीएसपी कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीटीएसपी राज ने मिशन सुरक्षा के तहत तिलकामांझी थाना क्षेत्र से एक अपराधी के गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। सीटीएसपी ने बताया कि मोबाइल में कैद शस्त्र और वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए मिशन सुरक्षा के तहत तिलकामांझी थाना की टीम ने 2 देसी कट्टा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार। उन्होंने बताया कि बीते 1 मार्च को ललमटिया थाना द्वारा तिलकामांझी थाना को एक मोबाइल प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शस्त्र का फोटो एवं वीडियो मिला, जिसके आधार पर टीम गठित कर फोटो एवं वीडियो का सत्यापन करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शस्त्र बरामदगी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छापेमारी के क्रम में तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सचिदानंद नगर छोटी रेलवे लाइन के समीप से युवक मिथुन कुमार को 2 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूछताछ के क्रम में मिथुन कुमार ने पुलिस को बताया कि सरस्वती पूजा के समय उसने यह दोनों हथियार घोगा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से लिया था। वहीं सीटीएसपी राज ने बताया कि मिथुन कुमार पूर्व में शराब पीने एवं बेचने के केस में भी जेल जा चुका है, जबकि इसके अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि को लेकर शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज ने की। बैठक में मंदिर के पुजारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा की गई। इस अवसर पर मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज ने कहा कि महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है और इसे बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। मंदिर परिसर से दोपहर 12 बजे से नगर भ्रमण के लिए दर्जनों घोड़ा गाड़ी के अलावा विभिन्न प्रकार की झांकी भी निकाली जाएंगी और पूरे शहर का भ्रमण किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में एक भक्ति जागरण का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि कोलकाता एवं मुंबई के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर की साफ सफाई और श्रद्धालुओं के लिए भोजन एवं पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। मौके पर सचिव निरंजन चौधरी, निर्णायक रंजीत शाह, संयोजक सुबोध यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। विचार विमर्श यही हुआ झांकी निकालने का और सुचारू रूप से बढ़िया से झांकी निकले और सभी हमारे कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, इसी का विचार विमर्श हुआ। पर प्रसाद की व्यवस्था के लिए कितने तारीख को महाशिवरात्रि है? 8 तारीख को महाशिवरात्रि है। कितने बजे यहाँ से झांकियाँ निकलेगी? झांकियाँ तो हर साल 70-75 हो जाती हैं। इस साल भी देखो जितना निकल जाए महादेव की आशीर्वाद है, ट्रैक्टर तो इतना होता है। जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख रही रजनी कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग के द्वारा नए प्रमुख के चुनाव के लिए शनिवार को अनुमंडल कार्यालय में प्रमुख का चुनाव कराया गया, जिसमें गुड़िया देवी प्रमुख पद के लिए निर्विरोध चुनी गई। बता दें कि गुड़िया देवी के विरोध में किसी ने भी नामांकन दर्ज नहीं कराया, जिस कारण गुड़िया देवी को निर्विरोध प्रमुख घोषित कर दिया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद गुड़िया देवी समर्थकों के साथ जगदीशपुर पहुंची और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। लेकर चलेंगे, प्रखंड का विकास करेंगे, समिति सबको सब लेके चलेंगे। एक बार उसको निर्विरोध चुने सारा समिति, सब समिति थोड़ा उसे बैठक नहीं होता था, कोई किसी का कार्य नहीं होता था, सब परेशान था, सब समिति मिल के अविश्वास लाया और सब समिति का आभार करता हूं कि सब एकजुट होके लगे रहे और अपना कार्य को पूरा किए। भागलपुर में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के तहत RDSDE बिहार द्वारा आयोजित शिक्षकता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और बुके देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत NTPC कहलगांव के वरीय प्रबंधक HR मनोज कुमार गुप्ता, ISDS के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिषेक कुमार, भरत जी राम, RC मंडल एवं विकास रजक समेत कई IIT के प्राचार्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
भारत सरकार द्वारा शिक्षकता प्रशिक्षण के साथ अल्पकालीन रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यशाला में RDSDE के अधिकारियों द्वारा NAPS योजना के माध्यम से नियोजकों को 1500 रुपये प्रतिमाह एवं CMAPS के अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने और समय समय पर अप्रेंटिसशिप एक्ट में हुए परिवर्तन समेत अन्य कई जानकारियां दी गई। वर्कशॉप में RDSDE बिहार के उप निर्देशक RC मंडल और सहायक निर्देशक अभिषेक कुमार सिंह समेत ITI से जुड़े कई जानकारों ने अप्रेंटिस एक्ट और इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। साथ ही बताया कि ITI से पास आउट स्टूडेंट्स को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मौके पर राकेश कुमार, संजय कुमार समेत सरकारी और प्राइवेट ITI कॉलेज के प्राचार्य एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर श्री गौशाला सभागार में शुक्रवार को बाबा भोलानाथ भक्त मंडल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा भोलानाथ भक्त मंडल के महासचिव नितिन भुवानिका ने कहा कि आगामी 3 मार्च की सुबह 7:30 बजे गौशाला प्रांगण से महाआरती कर समिति की ओर से निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में हाथों में निशान और गंगा जल लेकर श्रद्धालु कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक और खरमन चौक होते हुए बूढ़ानाथ स्थित बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर पहुंचेंगे, जिसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवती और छोटे बच्चे भी शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही भक्त मंडल के संरक्षक डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और गाजे बाजे के साथ यह भव्य निशान शोभा यात्रा भागलपुर नगर के अलग अलग क्षेत्र से गुजरेंगी। बता दें कि निशान शोभा यात्रा में लगभग 400 महिलाएं बाबा भोलानाथ मंदिर पहुंचकर गंगा जल अर्पण करेंगी। मौके पर महिला नेत्री डॉक्टर अनामिका ठाकुर, संजय चूड़ीवाला, सुनील लाठ, प्रेमलता शर्मा समेत भक्त मंडल से जुड़े कई सदस्य मौजूद रहे। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है क्योंकि 3 तारीख को बाबा भोलानाथ भक्त मंडल की तरफ से निशान शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हमारी 9वीं प्रस्तुति है। इस निशान शोभा यात्रा में लगभग 1000 श्रद्धालु निशान के साथ में श्री गौशाला से नगर भ्रमण करते हुए बाबा भोलानाथ भक्त मंडल की तरफ से बाबा भोलानाथ मंदिर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर बाबा का जलार्पण किया जाएगा। जल इस बार हम लोग हरिद्वार से मंगवा रहे हैं, जो कि जितने भी श्रद्धालु निशान उठाएंगे सबके पास एक जल का पात्र रहेगा और वो जल बाबा को अर्पित करने के बाद हम लोग का वहाँ पर भंडारा का आयोजन है। उसके बाद शाम को बाबा का भव्य श्रृंगार और स्थानीय कलाकारों के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।
सनौला के सुखनैना गांव में शनिवार को दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जदयू के प्रदेश महासचिव शिवानंद मुकेश, विजय मंडल एवं मोहम्मद कलीम ने फीता काट कर किया। कुश्ती प्रतियोगिता के पहले ही दिन दंगल देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुश्ती में उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा समेत अन्य क्षेत्र से भी पहलवानों ने हिस्सा लिया है। रविवार को कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5001 रुपए, द्वितीय 3001 एवं तृतीय 2001 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। मौके पर अनुज कुमार झा, विश्वजीत कुमार, शहनवाज आलम समेत दर्जनों दर्शक उपस्थित थे।